हमने डिस्कस किया था आप लोगों से फाइल हैंडलिंग के बारे में, व्हाट इज फाइल, हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, हाउ टू राइट डेटा इनटू द फाइल, है ना। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। आज पढ़ते हैं विद स्टेटमेंट। विद स्टेटमेंट में क्या मतलब है? विद स्टेटमेंट भी किस लिए काम आता है? ये भी फाइल को ओपन करने का काम है, जैसे ओपन फंक्शन है ना, सेम इसी तरह से काम करता है, लेकिन ये स्टार्ट होता है विद से, ठीक है। तो विद स्टेटमेंट क्या है, किस लिए यूज होता है? तो ओपन ए फाइल, ये भी फाइल को ओपन करने का काम आता है। और इसमें विद स्टेटमेंट के अंदर है ना, हम बहुत सारे ऑपरेशन से एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, रीड राइट जो भी है। और जब भी इस ब्लॉक विद से बाहर आएंगे, विद से बाहर आते हैं, आपको फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाती है। इसका एक फायदा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप लिखा विद, ओपन करिए फाइल, फाइल का नाम दे देते हैं abc डॉट txt फाइल, है ना। कहाँ पर है ये? ए ड्राइव के अंदर, py फाइल के अंदर, सपोज abc डॉट टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया राइट मोड, है ना, एज ओपन फंक्शन में हम कैसे यूज करते थे? ओपन फंक्शन में हम किस तरह से यूज करते थे? लिखते थे एस एफ, एफ इज इक्वल टू ओपन, है ना। और जो भी फाइल का नाम होता था वो दे देते थे, और जो मोड होता था वो स्पेसिफाई करते थे, इस तरह से करते थे। लेकिन विद के साथ आप कैसे करोगे? इस तरीके से। विद क्या है? एक ब्लॉक है, एक तरीके विद ओपन, ये फाइल करनी है एज एफ, है ना। इसके अंदर मैंने लिखा है एफ डॉट राइट, करा राइट किया मैंने, राइट ए, ठीक है, एफ डॉट राइट किया अक्टूबर, ठीक है, एफ डॉट राइट किया सपोज 2020, ये राइट, ठीक है। और प्रिंट कराया मैंने, प्रिंट कुछ भी लिख लो, चेक करना है, जैसे मुझे चेक करना है फाइल क्लोज हो गया नहीं, एफ डॉट क्लोज्ड से हम क्या चेक कर सकते हैं? स्टेटस चेक कर सकते हैं, फाइल क्लोज हुई है नहीं। देखो ये जो लाइन है जो मैंने लिखी एफ डॉट क्लोज, ये किसके अंदर है? ये जो स्टेटमेंट है ये विद के अंदर है, विद इन विद है, विद स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक है। तो अभी फाइल आपकी क्लोज नहीं हुई, जैसे ही आप इससे बाहर निकलते हो, कैसे? इस तरह से ये निकल गए। अब चेक करो प्रिंट एफ डॉट क्लोज, है ना, तो आपकी फाइल अब ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। इस स्टेटमेंट में मैंने कहा विद किस लिए काम आता है? ओपन ए फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए, है ना। उसमें आप बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे राइट 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 कर दिए, तो ये विद ब्लॉक हो गया, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जैसे एग्जीक्यूट किया, देखो ये एफ डॉट राइट कर दिया फ्राइडे अक्टूबर 2020, है ना। और फाइल को चेक किया कि यहाँ पर क्लोज हुई है कि नहीं, यहाँ पर फाइल आपकी क्लोज नहीं हुई। लेकिन जैसे मैं इस विद स्टेटमेंट से, ये यहाँ से यहाँ तक का विद स्टेटमेंट है, इससे बाहर निकला, है ना, निकलते ही आपकी फाइल क्या होगी? क्लोज होगी, फाइल की वैल्यू क्या आ गई? ट्रू, यानी कि फाइल क्लोज होगी, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हो अपनी ड्राइव के अंदर। एबीसी नाम की फाइल बन गई, उसमें डेटा आ गया फ्राइडे अक्टूबर 2000, ठीक है। इस तरह से आपका डेटा इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका विद स्टेटमेंट। तो विद का काम क्या है? विद में आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है फाइल, जब भी इस विद ब्लॉक से बाहर आएगा, है ना, इस स्टेटमेंट से बाहर आएगा विद से, तो फाइल आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ये एडवांटेज है विद। तो आप विद भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दो फंक्शंस बनाए गए आपको, एक तो बनाया गया टेल फंक्शन और एक बनाया गया सिक फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शंस अवेलेबल है पाइथन के अंदर, ठीक
देखो जो टेल फंक्शन है ये क्या काम करता है, ये रिटर्न करता है आपकी फाइल के अंदर है ना करंट पोजीशन क्या है कर्सर की। सपोज ये फाइल है, अब इस टाइम कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है स्टार्टिंग में, तो ये इंडेक्स जीरो रिटर्न कर रहा है कर्सर यहां पर है। अगर मैंने यहां पर अब कर्सर का करंट पोजीशन क्या है कर्सर की जहां पर ब्लिंक कर रहा है सर्विस के बाद है ना, सर्विस के बाद आपका कर्सर यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है, तो ये पोजीशन जो फिर बैठती होगी इधर से काउंट करके ये ना वो पोजीशन रिटर्न करता है टेल फंक्शन। टेल फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये आपकी करंट पोजीशन इसकी कर्सर, ठीक है जी। जैसे चेक करते हैं मैंने फाइल ली एफ इज इक्वल टू ओपन करी है ना, एबीसी ले लेते हैं एबीसी डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसको किस मोड में खोला, सपोज रीड मोड में खोला इस फाइल को, तो आपने प्रिंट कराया प्रिंट एफ डॉट टेल, एफ डॉट टेल फंक्शन कॉल कराया, तो आप चेक करना चाह रहे हैं करंट पोजीशन क्या है। सॉरी एबीसी डॉट टेक्स्ट फाइल ओपन करिए, क्या कह रहा है, अच्छा डायरेक्टरी नोट फाइल, ओके टी ड्राइव के अंदर टी वाई फाइल के अंदर आपका एबीसी है, ठीक है। अब मैंने एग्जीक्यूट किया, इंडेक्स क्या ले रहा है टेल फंक्शन, यानी कि उस फाइल के अंदर इसकी जो इंडेक्स है स्टार्टिंग में जीरो पोजिशन, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, फाइल में से रीड किया, एफ डॉट रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया, रीड किया दो कैरेक्टर, समझ रहे, प्रिंट कराया मैंने प्रिंट एफ डॉट रीड किया, रीड सपोज टू कैरेक्टर रीड करे है ना, और उसके बाद उसकी पोजीशन फिर चेक करी किसकी, दो कैरेक्टर रीड करने के बाद ये देखो क्या प्रिंट करेगा, एफ आर सबसे पहला वर्ड क्या था एबीसी फाइल के अंदर फ्राइडे, एफ आर आ गया, और एफ आर के रीड करते ही कर्सर कहां पहुंच गया दूसरी पोजीशन, समझ रहे। ऐसे ही मैंने प्रिंट कराया प्रिंट एफ डॉट रीड ऑपरेशन फिर परफॉर्म किया, मैंने रीड करे थ्री कैरेक्टर है ना, प्रिंट कराया एफ डॉट टेल, बोलो क्या आउटपुट आएगा, यस yes. ये तो सेम रहेगा, इससे आगे के दो आउटपुट बताओ क्या है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो क्या आउटपुट आया, ठीक है इसने तीन कैरेक्टर रीड करे, इसकी करंट पोजीशन कहाँ थी, सबसे पहले यहां थी जीरो पे, फिर दो कैरेक्टर रीड करे तो ये कर्सर यहां पर आ गया, ठीक है, और यहां से तीन रीड और करे, तीन का मतलब वन टू थ्री, ये यहां तक आ गया आपका तो थ्री है ना, और टोटल कितने हो गए फाइव, फाइव पोजीशन का आपका कर्सर आया। बोले पॉइंट समझ में आया नहीं, ठीक है। तो टेल फंक्शन क्या करता है, ये आपकी कर्सर की करंट पोजीशन बताता है कहां पर है, ठीक है ओके। एक फंक्शन और बनाया आपका सिक फंक्शन, सिक फंक्शन का क्या काम है, ये क्या करता है, ये आपके कर्सर को कहाँ लेके जाना है ना, जो भी आप लोकेशन स्पेसिफाइड कर दोगे ये वहां पर जंप कर देगा है ना। वी कैन यूज सिक मेथड टू मूव कर्सर टू स्पेसिफाइड लोकेशन, किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन पर जाना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, बोलो सिक फंक्शन। तो सिक फंक्शन में है ना इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है, एफ डॉट सिक फंक्शन लिखोगे, यहां पर लिखोगे ऑफसेट और यहां पर फ्रॉम वेयर, जहां लेके जाना है ना, दो चीज पास करोगे आप, एक मिनट ओके ठीक है। तो ऑफसेट की जो वैल्यू होती है, देखो वैल्यू इसमें जो ऑफसेट जो है, ऑफसेट की वैल्यू हम क्या दे सकते हैं,
सॉरी, इसकी जो फ्रॉम वेयर की जो वैल्यू है हम जो दे सकते हैं 0, 1 और 2 दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर 1 और 0 पास किया आपने, 0 का मतलब है फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से जब कर, ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर है, अभी एग्जांपल लेंगे 1, इसका मतलब है कि जहां से भी करंट करंट पोजीशन से जंप कर, फ्रॉम करंट से, ठीक है। और एक वैल्यू होती है आपकी फ्रॉम एंड से, एंड से जंप करना है। तो 3 पैरामीटर होते हैं ये आपके फ्रॉम वेयर वाले, ये वाले, ठीक है, 0, 1, 2, ठीक है। तो 0 का मतलब है आपको कहां से जंप करना है, फ्रॉम वेयर 0 से। 1 का मतलब है कि जहां करंट पोजीशन है कर्सर की वहां से जंप करना है ना, फ्रॉम एंड एंड से जंप करना है रिवर्स डायरेक्शन। तो ये होते हैं तीन पैरामीटर होते हैं। लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं आपका जो पाइथन पाइथन 2 है वो तीनों को सपोर्ट करती है। पाइथन जो सपोर्ट करते हैं 0 को भी, 1 को भी और 2 को भी सपोर्ट करती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पाइथन 3 जो सपोर्ट करती है ओनली 0 को सपोर्ट करती है, यानी कि आप जंप कर सकते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। आपके पास ये ऑफसेट की वैल्यू सिर्फ आप 0 सेट करोगे और कुछ, ठीक है जी। ये देखते हैं कैसे। सपोज एक डेटा है मेरे पास, एक एग्जांपल है, कितना बढ़िया। मैं लिखा आर स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, आर स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब मैंने एक फाइल ओपन करी, एफ डॉट ओपन करी, फाइल का नाम दे दिया सपोज abc.txt फाइल दे ली। इसको मैंने कौन से मोड में खोला, राइट मोड, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इस फाइल में जो भी डेटा है आपका उसको राइट कर देता हूँ। एफ डॉट राइट फंक्शन की हेल्प से डेटा किस में राइट कर दिया, फाइल में, है ना। कौन सा डेटा, ये वाला डेटा, और इस डेटा की वैल्यू क्या है, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड। तो इस डेटा को कॉपी किया मैंने, इस फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया। तो ये सारा का सारा जो डेटा था, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, किस में लिख दिया, फाइल के अंदर। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इसमें हम लिखते हैं ई ड्राइव के अंदर स्लैश py फाइल स्लैश abc, ये लिखा मैंने, इसको एग्जीक्यूट किया, है ना। तो आपका डेटा ये राइट हो गया, इसको समझ रहे। अब इसको एक बार चेक कर लो, इस फाइल को क्लोज करते हैं। एक मिनट, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करो। ये आ गया, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, ये तो लिखा गया, चलो ठीक है। सारा डेटा मैंने उसमें फाइल में लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक विद स्टेटमेंट लेता हूँ, विद ओपन, फाइल को फिर मैंने ओपन किया, abc.txt फाइल को ओपन किया, कहाँ पर है ये, ए ड्राइव के अंदर, है ना, py फाइल के अंदर। इस बार मैंने जो फाइल का मोड जो लिया, फाइल को ले लिया किस मोड में, रीड मोड में ले लिया, रीड प्लस मोड, है ना। रीड प्लस का मोड का मतलब क्या है, रीड एंड राइट दोनों मोड में, एज एफ। और आपका जो डेटा है वो डेटा, अगर जैसे मैंने अभी डेटा क्या लिखा था, स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, है ना, वो डेटा आपका डिलीट नहीं होगा अगर आपने R+1 मोड में खोला। अगर W+1 मोड में खोला तो डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, ये फाइल आपने ओपन कर ली किस मोड में, abc.txt फाइल, पहले हमने राइट मोड में खोली थी और डेटा राइट कर दिया था। अब मैंने फाइल ओपन करी किस में, रीड प्लस और राइट मोड दोनों में ओपन करी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें से डेटा रीड करता हूँ, तो एफ डॉट रीड डेटा किया मैंने, और किस में ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया सपोज टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट एक वेरिएबल ले लिया टेक्स्ट, टेक्स्ट में सारा डेटा आ गया, जो फाइल के अंदर डेटा था वो किस में आ गया, टेक्स्ट के अंदर आ गया, है ना। अगर मैं प्रिंट कराऊं, प्रिंट प्रिंट कराऊं टेक्स्ट, तो क्या प्रिंट होगा, आपका जो भी सारा डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा।
ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, डिफरेंट हो, समझ रहे, ये इस स्टेटमेंट से। चलो अब मैंने पूछा तुमसे कि इसकी करंट पोजीशन क्या है, ये देखो, ठीक है। अब मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट मैसेज बनाया, करंट पोजीशन इज, जो भी करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन जानने के लिए क्या यूज करते हैं, एफ डॉट टेल फंक्शन, जो भी करंट पोजीशन, ये करंट पोजीशन बता देगा, है ना, जहां पर भी कर्सर होगा, ओके। उसके बाद मैंने एफ डॉट सिक लिखा, सिक के सेवन लिखा 17, यानी कि मैं 17 स्टेप से जंप करना चाह रहा, और 17 स्टेप जंप करने के बाद फिर मैं पोजीशन देखना चाह रहा हूं कि क्या पोजीशन, ठीक है। ठीक है, तो मैं 17 स्टेप्स आगे जाके मैंने फिर करंट पोजीशन चेक करी, तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। और मैंने एफ डॉट राइट किया, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, और मैंने लिखा इसमें सपोज, है ना, कुछ भी लिख दिया, नाइस लिख दिया, कैपिटल में नाइस लिख दिया, ठीक है। नाइस लिखने के बाद मैंने फिर एफ डॉट सिक फंक्शन कॉल कराया और मैं कहा गया जीरो, ठीक है। और मैंने फिर प्रिंट कराया, प्रिंट करा, फिर रीड किया टेक्स्ट, फिर रीड किया एफ डॉट रीड, है ना, इसको रीड किया टेक्स्ट को, सॉरी रीड किया, रीड करने के बाद मैंने फिर प्रिंट कराया, प्रिंट कुछ भी प्रिंट करा लो, प्रिंट टेक्स्ट, बोलो क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम, देखो क्या प्रोसेसिंग होगी इस प्रोग्राम। सबसे पहले ये जो डेटा था, ये सारा डेटा हमने किस में राइट कर दिया, इस फाइल के अंदर, एबीसी डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट कर दिया, ये वाला डेटा, ठीक है जी। अब आपने फाइल को ओपन किया, ये फाइल दोबारा ओपन करी, एबीसी टेक्स्ट फाइल आर प्लस मोड में, आर प्लस का मतलब है रीड एंड राइट मोड में ओपन करी, ठीक है। आपने फाइल के अंदर से डेटा रीड करा, ठीक है, रीड करने पर आपका डेटा आ गया ये, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद जैसे आपने डेटा रीड करा, प्रिंट करा दिया टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट प्रिंट हो गया, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। उसके बाद आपने करंट पोजीशन जाननी चाहिए, करंट पोजीशन इज एफ डॉट टेल, तो जो करंट पोजीशन होगी वो थी इसकी लास्ट में। सबसे पहले जो आपने सारा डेटा जो इसने रीड करा, ए एल एल स्पेस स्टूडेंट्स आर, है ना, वेरी गुड, तो ये कर्सर आपका यहाँ पर पहुंच गया था लास्ट में, तो ये जो पोजीशन है 26 पोजीशन है ना, ये क्या है 26 पोजीशन है, 26 पे आ गया आपका करंट पोजीशन। अब आपने क्या किया, एफ डॉट सिक फंक्शन कॉल कराया, एफ डॉट जैसे ही सिक फंक्शन कॉल कराया तो आप कहां पर आ गए, स्टार्टिंग से, है ना, स्टार्टिंग से कहां पर 17 पोजीशन पे, तो यहां से लेके ये कहां बैठ रही है आपकी, यहां तक ये आपकी 17 पोजीशन बैठ रही है। इस 17 पोजीशन पे आपने क्या किया, एक वर्ड लिखा नाइस, कौन सा वर्ड लिखा, नाइस, तो यहां पर आपने नाइस लिखा, है ना, ये नाइस वर्ड लिख दिया आपने यहां, जैसे नाइस वर्ड लिखा है यहां पर क्या आ गया आपका नाइस, ठीक है, नाइस वर्ड जैसे आया, फिर आपने एफ डॉट सिक सिक कॉल कराया, सिक से क्या हुआ, आप फिर स्टार्टिंग में पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए, और फिर आपने प्रिंट फिर रीड करी फाइल को, टेक्स्ट में ले लिया और टेक्स्ट का जो सारा डेटा था वो प्रिंट कराया, तो इस बार लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर नाइस टू, इस तरह से एग्जीक्यूट, बोले प्रोग्राम समझ में आया नहीं आप लोगों को, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ये डेटा मैंने एक डेटा वेरिएबल के अंदर ले लिया, ये स्ट्रिंग इसमें ले ली डेटा, आपने एक फाइल ओपन करी एबीसी डॉट टेक्स्ट फाइल राइट मोड में, ठीक है, फाइल के अंदर आपने डेटा राइट कर दिया,
राइट कर दिया डेटा। डेटा की वैल्यू क्या थी, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड। तो ये डेटा फाइल के अंदर लिखा गया, ठीक है। इतना बताओ समझ में आया नहीं है ना, यहां तक क्लियर है। डेटा आपने राइट कर दिया, अब आपकी फाइल में जो डेटा है वो है ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, नाइस। उसके बाद आपने फाइल को ओपन किया, फाइल को ओपन किया एबीसी डॉट टेक्स्ट फाइल को, रीड एंड राइट मोड, रीड एंड राइट मोड में ओपन किया। रीड एंड राइट का मतलब है कि आपकी फाइल के अंदर डेटा बना रहेगा, अगर पहले से डेटा है तो, ठीक है। आपने फाइल को ओपन किया रीड एंड राइट मोड में, यानी कि रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं, है ना, ओके। तो आपने क्या किया, फाइल के अंदर से डेटा रीड करा, फाइल के अंदर से डेटा रीड करके किसको दे दिया, टेक्स्ट को। फाइल में डेटा क्या था, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, ये डेटा किसके पास आ गया, टेक्स्ट के पास, ठीक है, टेक्स्ट के पास डेटा आ गया। आपने प्रिंट कराया टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या प्रिंट हो गया, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो गया, कहां से, इस लाइन से आप यहां ये डेटा प्रिंट हो गया, ठीक है। जब आपने फाइल से डेटा रीड करा तो आपका कर्सर रीड करते करते लास्ट में पहुंच जाता है, यहां पर इस पोजीशन पे पहुंच जाता है आपका कर्सर। ये पोजीशन क्या है, आपने अब रीड करने के बाद आपने पूछा कि करंट पोजीशन क्या है कर्सर की, एफ डॉट टेल, उसने बताया कि करंट पोजीशन क्या है 26 है। उसने यहां से क्या रिटर्न करा, करंट पोजीशन क्या है 26 है, ठीक है जी। इतना समझ में आया सभी की, ओके। आपने अब सिक फंक्शन कॉल कराया, सिक फंक्शन का काम क्या है, सिक फंक्शन क्या काम करता है, स्टार्टिंग से कर्सर को 17th पोजीशन पे ले आएगा, स्टार्टिंग से, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, इस पोजीशन से आपका जहां भी 17 बैठता होगा कर्सर को यहां ले आएगा, ये 17th है यहां पर, सपोज ये कौन सा है 17 है, ठीक है। तो आपने कर्सर को कहां पहुंचा दिया, एफ डॉट सिक फंक्शन से स्टार्टिंग से 17 पोजीशन पे। तो आपने जैसे सिक फंक्शन कॉल कराया तो आपने लिखा करंट पोजीशन इज एफ डॉट टेल, अब करंट पोजीशन बताओ, उसने बताया कि तो आप स्टार्टिंग से 17 पोजीशन पे हो, उसने कहा वेरी गुड, ठीक है, ओके, है ना। अब आपने क्या किया, फंक्शन के अंदर फिर राइट किया, अब मुझे बताओ राइट कहां पर होगा, लास्ट में या 17th पोजीशन पे, राइट किया फाइल के अंदर, लिखना चाह रहे हो कुछ, कहां पर राइट होगा, 17th पोजीशन पे होगा या लास्ट में होगा, गुड के बाद होगा, कैसे होगा, बोल दो, लास्ट में। अरे बाबू यहां से ये देखो ना, कर्सर कहां है इस टाइम, करंट पोजीशन क्या है कर्सर की, 17th, यहां से कौन सी पोजीशन पे है, 17th पोजीशन पे है, हाँ फिलहाल कहां, 17th पोजीशन पे हो, तो लिखा भी कहां जाएगा, ये नाइस जो लिखा जाएगा 17th पोजीशन पे लिखा जाएगा, यहां पर NICE, ये 17th पोजीशन पे लिखा जाएगा, है ना, और ये आपका वेरी गुड हट जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, नाइस आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, एफ डॉट सिक फंक्शन से, सिक फंक्शन से आप कहां पर आ गए, जीरो पर, फिर दोबारा यहां पर आ गए जीरो पर, ये जीरो इंडेक्स है, यहां पर कौन सी है, जीरो इंडेक्स पे आ गए, और जीरो इंडेक्स पे पहुंचते ही आपने फिर रीड करा डेटा, एफ डॉट रीड फंक्शन अप्लाई किया, तो सेंटेंस क्या बन गया था, ऑल स्टूडेंट्स आर नाइस गुड, है ना। तो आपने टेक्स्ट प्रिंट कराया तो आपका प्रिंट हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स आर नाइस गुड, इस तरह से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। बोलो समझ में आया नहीं है, ओके, ठीक है, ये था हमारा सिक और टेल फंक्शन, ठीक है, ओके। अब कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन फाइल एग्जिस्ट ऑन नॉट, कि आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ठीक है।
तो उसके लिए क्या बनाएगा, ओएस मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल हो रहा है पाथ, ओएस मॉड्यूल के अंदर एक और शब्द। अगर आपको पता करना है कि एग्जिस्ट कोई फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं आपके सिस्टम के अंदर, तो एक पैकेज है ओएस डॉट, ओएस एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर एक और मॉड्यूल है पाथ, और उस पाथ के अंदर आपका एक है इस फाइल फंक्शन। इस फाइल, ये इस फाइल फंक्शन क्या करेगा, आपको बता देगा कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, चलो इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, कि पता करते हैं कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। सपोज हमने पहले इस पैकेज को इंपोर्ट करा लिया, कौन सा, एक तो ओएस को और एक एस वाई एस को, दो पैकेज की जरूरत पड़ेगी मुझे, है ना, ओएस और एस वाई एस को। ठीक है, तो आपको जो फाइल, मैंने क्या किया, एक फाइल का नेम लिया कीबोर्ड से, फाइल नेम कीबोर्ड से लेने के लिए इनपुट फंक्शन, मैंने कहा एंटर द फाइल नेम, कोई फाइल का नेम एंटर करे, पता करना कि फाइल है या नहीं है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, इफ ओएस के अंदर जो पाथ मॉड्यूल है उसके अंदर हम फंक्शन चेक करते हैं इस फाइल, इस फाइल, और फाइल का नेम जो आपने कीबोर्ड से लिया, चेक किया कीबोर्ड से एक फाइल का नेम लेंगे, चेक कर रहे हैं कि ये फाइल अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देगा फॉल्स, है ना। तो हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट करा दिया यस फाइल एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट करती है, कौन सी फाइल, एफ नेम वाली जो तुमने कीबोर्ड से फाइल दिया। तो आपने क्या किया, उस फाइल को आप ओपन करो, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो आपने ओपन करा, फाइल का नाम क्या है, एफ नेम, किस मोड में, रीड मोड में, रीड मोड में ओपन करी। ठीक है, ये हो गया। एल्स, एल्स अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो आप प्रिंट कर दे मैसेज, प्रिंट, है ना, फाइल नॉट एग्जिस्ट, फाइल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं अपना प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट करने के लिए एग्जिट फंक्शन है एस वाई एस के अंदर, इसके वैल्यू अंदर 0, उसका मतलब है आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और जो फाइल ओपन करी है आपने, ये जो फाइल ओपन करी है उससे डेटा रीड कर लो। ठीक है, डेटा या बाहर कर लो, मर्जी है तुम्हारी, यहाँ पर रीड कर लेते हैं। डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट, रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया और प्रिंट करा दिया डेटा। इस प्रोग्राम को देखते हैं, देखो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, आप क्या करोगे, एक फाइल को कीबोर्ड से फाइल का नाम पूछोगे, फाइल का नाम लोगे कि ये फाइल अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर फाइल अवेलेबल होगी, है ना, तो ये रिटर्न कर देगा os डॉट पाथ डॉट इज फाइल, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर फाइल अवेलेबल है तो एक तो मैसेज आ जाएगा यस फाइल एग्जिस्ट, नेम उसका आ जाएगा जो भी फाइल अवेलेबल है, और फाइल किस मोड में ओपन हो जाएगी, रीड मोड। ठीक है जी, जब आपकी फाइल रीड मोड में ओपन होगी, ठीक है, एल्स में तो जाएगा नहीं है क्योंकि ये फाइल अवेलेबल है, जब फाइल अवेलेबल है तो सिर्फ आपका इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या होगा, फिर आपने फाइल से डेटा रीड करा, जो भी उसके अंदर डेटा था उस डेटा को प्रिंट करा दिया, जो भी फाइल के अंदर से डेटा आपने रीड करा, एक तो प्रोसेस ये है। अगर फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती तो ये एल्स में जाएगा, वो लिखा आएगा फाइल नॉट एग्जिस्ट और सिस्टम डॉट एग्जिट, एग्जिट में वैल्यू पास कर दी 0, यानी कि अब आपका प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर फाइल दी, की ड्राइव के अंदर एक फाइल है पी वाई, फाइल के अंदर हमारी एक फाइल है
abc.txt, एंटर किया, ये फाइल अवेलेबल है या नहीं है। इसने कहा यस फाइल एग्जिस्ट, इस नाम की फाइल अवेलेबल है और उसका डेटा क्या है, ऑल स्टूडेंट्स आर स्टूपिड, ये इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने दोबारा एग्जीक्यूट किया। अब मैंने कुछ और दे दिया ई ड्राइव के अंदर, है ना, पी वाई फाइल के अंदर, है ना। हमारी हम चेक करते हैं aaaaa.txt नाम की फाइल है या नहीं है, तो क्या कर देगा, फाइल नॉट एग्जिस्ट, आपकी फाइल नॉट एग्जिस्ट कर, है ना, ये फाइल अवेलेबल नहीं है, और एक एक्सेप्शन थ्रो कर। ठीक है, तो ये अपना आपने जैसे ही एक्सेप्शन आपकी फाइल ये मैसेज आया एल्स के अंदर, है ना, तो ये आपका यहाँ से प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। और ये लेकिन आपको इस तरह से एक वार्निंग जरूर देगा, ये वार्निंग है जो येलो कलर के एरिया में, ये जो येलो सॉरी पिंक कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये आप सोच रहे हो ये एरर है, ये एरर नहीं वार्निंग है, ये वार्निंग होती है, है ना, ये देखो वार्निंग वार्न। ठीक है, ये वार्निंग है, सर डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा अगर सिस्टम डॉट एग्जिट, क्लियर है। तो इस तरह के से हम क्या कर सकते हैं, कोई फाइल अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल है तो उसका डेटा रीड कर लो, अवेलेबल नहीं है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। ठीक है, इस तरह से हम वर्किंग कर सकते हैं। वो तो समझ में आया नहीं, जीरो का मतलब है, जीरो का मतलब है कि नॉर्मली टर्मिनेट। ठीक है, तो जो भी फाइल आप यहां से इनपुट डालोगे तो वो बता देगा अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, ओएस मॉड्यूल के अंदर पाथ मॉड्यूल है और उस पाथ मॉड्यूल के अंदर इस फाइल एक फंक्शन है, ये बताता है कि फाइल अवेलेबल है या नहीं है, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ठीक है,